सो इनिशियली वी थॉट कि भाई इन दोनों कैमरों के बीच में क्या ही कंपैरिजन करना वी शुड पिक आर7 इट्स इट वुड बी बिट ट्राई देखो थोड़ा सा परफेक्ट रहेगा वीडियो रेजोल्यूशन को देखो हाई रेजोल्यूशन सेंसर को देखो सो बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वेस्ट दैट वी हैव रिसीव्ड तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सेस 20 वर्सेस आर10 की कंपैरिजन कर उसके बाद आपने किन वीडियोस को देखना है कंपैरिज़ंस को देखना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जि, जितने ज्यादा जिस में हमें मिलती है उस हिसाब से वीडियो को प्रायोरिटी दे, दे देते so कि जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है मोट इंपॉर्टेंट थी अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना दब पहले डिजाइन डिफरेंस इन दोनों कैमरों के बीच में डिजाइन डिफरेंस करके बहुत डिफरेंस आपको दिखने नहीं वाला

Hand grip plus life. ये दो चीज तो भैया को हाथ में गुड्रीपैन कर बट इट्स की अगर आपका कैमरा लगभग टू एक्स बैटरी लाइफ दे रहा है बहुत बहुत अच्छी बात. Now, सबसे बड़ी जो आपको इस रेंज कैमरा जो सेमी प्रोफेशनल कहो या मिड रेंज कैमरे कह लो इस रेंज में आपको फ्यूजी एक ऑप्शन दे रहा है फैन टू योर कैमरा अभी एक्सटर्नल फैन का चक्कर कैसे चला यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपका जो कैमरा है सिक्स पॉइंट टू के ओपन गटो रिकॉर्डिंग कर रहा है फाइव के रेजोल्यून दे रहा है आपको यू आर एबल टू रिकॉर्ड लॉन्ग वीडियो लॉन्ग अवेलेबल नहीं है कितना ही खंगाल लो नहीं पता चलने वाला लॉग तो ओपन ही नहीं करा कैन सो दिन बिट एवेलेबल है कैसे अवेलेबल है एच डी आर पी क्यू के फॉर्मेट पर अवेबल है बट नॉट एवेबल लॉग यहाँ पर एक्सएस ट्वेंटी में आपको एफ लॉक एफ लॉक टू और भैया यहाँ पर सिर्फ एफ लॉग टू यू कहकर नहीं छोड़ दिया यहाँ पर थर्टीन स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज आपको मिल सो so, कहीं ना कहीं जो आप डुअल बेस आईएसओ की बात करो या डुअल नेटिव आईएसओ तो काफी इनहेस्ट वीडियो को विडियो कोर स्पेक्स आपके कैमरे हम आएंगे अभी डिफरेंस तो आर द इनिशियल डिफरेंसेस मैं सिर्फ बता रहा हूँ फैन लगाने के पीछे रीजन था कि इतने आप स्केल को रिस्पेक्ट और इस आप स्केल को रिस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए उन्होंने फिफ्थ जनरेशन की प्रोसेसर लगाई so, तो हीट तो भैया प्रोड्यूस हो गई होगी तो इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए भैया फैन की ऑप्शन दे दी इन केस अगर आपका कैमरा ओवरहीट होता है तो आपका फैन लगाने से जो आपकी टाइम लिमिट है वो लगभग डबल हो जाती है रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट वीडियो की स्टिल में कभी भी हीट नहीं होगा एज पर दंपनी इवन दे टू स्टेन इन फोर्टी डिग्री प्लस सो दिस आर

लेट्स मूव ऑन द डिफरेंट स्पेक्स ऑफ दिस कैमरा बट बिफोर वी जंप इनटू द डिफरेंट स्पेक्ट इंक्लूडिंग द ऑटो फोकसिंग ब्रस्ट स्पीड बफर मेमरी सारे पे आते है बट बिफोर दैट टू टेल यू कि यहाँ पर आपको एक्सेस ट्वेंटी के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन मेकेजम मिलती है एंड दिस इज रियली हेल्पफुल जब आप हैंडहेल्ड फोटोग्राफी कर रहे हो वीडियोग्राफी कर रहे हो और सबसे अच्छी बात की एक इमेज स्टेबलाइजेशन मैकनिज्म है यानी कि एक्सेस टेन की आई यूनिट को उठाकर जस्ट यू ही ने पटक दिया अपने एक्सेस ट्वेंटी कैमरे के अंदर ठीक है उस पर वर्क करा और वर्क क्या करा लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट क्योंकि आर टेन के अंदर तो कुछ है नहीं आई मैकेनिज्म टाइप की सो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर द थिंग इज कि यहाँ पर आपका जो आई मैकेनिज्म है अप टू सेवन स्टॉप सिक्स टू सेवन स्टॉप की आपको परफॉर्मेंस देते एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू आर गेटिंग हाइब्रिड आईएस मोड अब आईएस की एक डेडिकेटेड मीनू है फोर ऑप्शन है उसमें चार ऑप्शन मिलते हैं अब भैया यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन शूटिंग स्टाइल इन्वायरमेंट वीडियो शूट करो स्टिलो क्या ही कर रहे हो सेलेक्ट करो विल हैव इट सो ये एक बहुत अच्छी बात है ठीक है कहना नहीं सीखना चाहिए कि भाई जो है सब डाल दे रहे और सिर्फ डालना नहीं उस पर रिवर्क करके इंजीनियरिंग करके काफी अच्छे तरीके से आप स्केल करके डाल डाले ठीक है सो नाउ लेट्स ऑटो फोकसिंग जहां ऑटो फोकसिंग की बात आती है फिर तो लगता है भाई कैनन का कोई कंपेटिटर है ही नहीं कैनन के बाद कोई आया तो सोनी है निकॉन आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते पीछे से मतलब है कहीं फ्यू जी उनके भी थोड़ा सा पीछे बस चल बट यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा जहां पर हम एक्स ट्वेंटी की बात करेंगे ठीक है द थिंग इज दैट आई वॉज रियली सरप्राइज जब मैंने एक्सएस टू कैमरे की परफॉर्मेंस देखी थी ट्वेंटी सिक्स एमपी स्टैक सिमा सेंसर बेस्ड फ्लैक्सी फ्यूजी एक्स माउंट एपीएससी कैम उसकी परफॉर्मेंस तो भैया धमाकेदार द सेम आईएएफ एल्गोरिथम इज बीइंग यूज्ड इनसाइड दिस एक्सेस 20 कैम अब वही धमाकेदार आईएएफ ट्रैकिंग आपको इस कैमरे तो यहाँ पर आपने ये समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से खुले से कि भैया वाली है नियर अबाउट दैट और उससे भी बेटर बेटर क्यों आई एम नॉट पार्सल इन दिस बेटर इसलिए कैन अभी तक आर्टेन के अंदर दे आर केपेबल आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कैन बहुत ही वेलकम बट दे लिमिट वी नेवर नो लिमिट क्या है और इसमें क्या हमें रहा है ए एफ सिस्टम को खासकर मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्लियरिटी थोड़ा डाल रहा हूँ यह है कि जब आप वीडियो मोड में जाते हो एंड इन वीडियो मोड यू हैव अ डेडिकेटेड प्रोडक्ट मोड विच इज इन साइड कैन के एंट्री लेवल्स में अब आ चुका है अगेन वी हैव स्पेशल डेडिकेटेड फेस ट्रैकिंग प्रायोरिटी तो यहाँ पर आपकी एक डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर मीनू बनाई है इन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिफरेंट ए एफ मोड एफ एलगोरिजम्स को इनपुट करा है सो द थिंग इज की काफी ज्यादा इसकी ए आई एफ पर वर्क करा और ये वर्क तभी पॉसिबल हो पाया है जब फिफ्थ जनरेशन की इसमें प्रोसेसर लगाई गई है एंड वी हैव एग्जैक्टली द सेम एआईएफ सिस्टम डेट वी हैव सीन इन एक्स एच सो मोर और लेस दिस इज अ वेरी गुड कैमरा मेरा ये कहना है कि भले आर टेन की फीचर्स आपको अभी भी अच्छी लगे चार हजार या पांच हजार डीपीएफ पॉइंट्स आप कहो तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एयर ज्यादा है कैनन के अंदर इन वीडियो वी हैव 3700 डीपीएफ पॉइंट्स एक्टिव इन कैन कैनन की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हो सकता है अभी भी भारी पड़ते हुए आप वन थिंग टू बी नोटेड अब फ्यूजी एक्सेस 20 भी कहीं से भी पीछे नहीं और अगर आप इसे परचेस करते हो तो बिलीव मी हो तो स्पीड की, so की बातें कर मैक्सिम ब्रस्ट स्पीड की बातें करते हैं बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी मैक्स ब्रस्ट स्पीड अपने फ्यूजी एक्सेस ट्वेंटी कैमरे की फुल रेजोल्यूशन पे ट्वेंटी फ्रेम्स की मिलती है और जब आप क्रॉप पर चले जाते हो तो लगभग थर्टी फ्रेम्स की ब्रस्ट स्पीड इन कैन वी द

इवन कंप्रेस ड्रॉप फाइल्स आप लगभग दुनिया में सेव कर सकते हो सो वी है आप जेपेक्स की बातें कर लो जेपेक्स तो भैया डबल ट्रिपल से ज्यादा आप स्टोर कर सकते हो रॉक की कंपैक्ट रॉक की बातें कर लो यू कैन सीन योर स्क्रीन दैट आई बिलीव की एटलीस्ट डबल क्या डबल से भी ज्यादा सो लेट्स रैप अप फोटोग्राफर्स को कौन सा कैमरा लेना चाहिए ये बातें हम शुरू करें भैया की फोटोग्राफर को कौन सा कैमरा लेना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोग्राफर कैमरा लेने के बाद क्या करेगा किट लेंस से अपनी जिंदगी गुजारेगा या फिर कोई और भी लेंसेस लेगा कि सिर्फ किट लेंस के साथ एक पचास समय की ले ली बस सब कोई लेंस नहीं लेने मुझे एक किट लेंस है अपनी है ना पंद्रह से पैतालीस से चल जाएगा काम क्या ही लेना है और क्या ही पैसे खर्च बेट अठारह से एक सौ पचास ले लिया बहुत है अब खर्चा ही 18 to 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 There are lot of photographers just stuck to to mm भैया है, है so you know you know मुझे तो अब खर्च करना ही नहीं भले इनकम कितनी भी आ जाए इस कैमरे से बस यही दो लेंस यूनिट पर टिके है रहे न, फिर भले हम full frame cameras की तरफ move करें In that very specific scenario, जब lens से कोई मतलब ही नहीं है आपको तब आप कुछ भी ले लो आर्ट ले लो कोई दिक्कत बट अगर आप एक you to लर्निंग फेज़ बहुत और जरूरी क्योंकि ये एक ओपन लेंस माउंट वाला कैमरा है और मान लो एफ लेंसेज की बजट नहीं है सिग्मा की ट्रेवल आ चुकी है सिग्मा की अठारह से पचास एम एम की दस तक, तक दे दी है वेरी सुन कैमरा की सत्रह से सत्तर की एम mm एम की जाएगी काफी काफ़ी अच्छी रेंज अब डेवलप होते जा रही है रिफ्यूजी के के एक्समोर्ट की, की और मान लो बजट नहीं है तो एफ को छोड़ के मैनुअल में भी काफी ज्यादा रेंज है ऑल दो आई नेवर रिकमेंड मैनुअल टू बिगनियर्स क्योंकि भैया वो बहुत बड़े खिचड़ी में पड़ जाएंगे उसके बाद वो पक ही नहीं पाएगी क्योंकि तो भैया एक टाइम था जब मैनुअल के साथ हमने काम करा है वी हैव वर्कड सो वी डू नॉट हैव एनी इश्यूज बट आज की जो स्मार्टफोन जनरेशन है वो मैनुअल लेकर डिसेबल्ड हो जाएगी उसके बाद उससे कुछ होगा नहीं सो डो डिसबल्ड होने की तैयारी मत करो जितना भी हो सके अगर आप बिग हो एकदम ही नए हो तो एफ लेंसेज की तरफ आप करो एंड द फ्यूजी एक्सेस ट्वेंटी इज वेरी वेल कैपेबल टू डू हाई स्पीड ए और काफी ज्यादा रेंज ऑफ लेंसेज अवेबल सो अगर आप एक फोटोग्राफर हो वट आई पर्सनली रिकमेंड यू दैट यू शुड गो ब्लाइंडली विद एक्सेस ट्वेंटी कैमरा इफ यू आर एबल टू अफोर्ड इट ठीक है और अगर मान लो आपका बजट है ही नहीं तब फिर कैन के साथ और सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड आई एम रिकमेंडिंग एक्सेस ट्वेंटी ओवर आर टेन

में 16:9 फॉर्मेट पे 5.2K के आउटपुट मिलती है अब ये वीडियोस आप लॉग में 10 बिट इंटरली रिकॉर्ड कर सकते हो सो द गुड थिंग इज इनसाइड योर कैमरा दैट यू आर एबल टू रिकॉर्ड के वीडियोस इन 16:9 फॉर्मेट आप 4K के 60 fps की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो कोई क्रॉप नहीं एंड ऑफ द कैमरा इज गोइंग इन ओवर सैंपलिंग मोड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेस्ट हुआ है कि 4K की वीडियोस को 30 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकता लगा ले तो, 80 के चला जाते है ओपन तो है सो कलर ग्रेडिंग के बारे में आप सोचो नहीं थर्टिन स्टॉप की डायनेमिक रेंज आपको एफ लॉक टू में मिल सो मोर और लेसमाटोग्राफर के हिसाब से बात करें मार्क माई वर्ट्स आई एम टेलिंग सिनेमाटोग्राफर नॉट कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ आई एम टेलिंग्राफी के हिसाब से बात करें जो चीजें हमने बया करी है आपको इस वक्त अगर हम उन सबको कंसीडर करें तो करेंटोग्राफर के लिए इस बहुत अच्छा कैमरा अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर की भैया आपके लिए तो उन्होंने एक डेडिकेटेड व्लॉग व्लॉग मोड मोड ऊपर से ही दे दिया आप डायल मीनू में में जाओ एक कंटेंट क्रिएटर बहुत सिंप्लीफाइड मीनू मिलेगी मतलब जब जस्ट स्मार्टफोन से आपने जम्प कराया तो ये कैमरा भी आपको लगेगा भाई तो कुछ नहीं है तो बस ये तो कोई बच्चा भी ऑपरेट कर दे सो द थिंग इज वेरी सिंपल कि इतना ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने कि फिर कुछ सोचने की जरूरत

आर्टेन खुद अपनी स्पेसिफिकेशन के चलते लेंस माउंट की नेचर के चलते मुझे नहीं अलाउ कर रहा है कि मैं आपको गुड कैमरा इफ यू लाइक टू बाई आप बाई कर सकते हो बट वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी इट्स नॉट कमिंग अंडर माई रेकमेंडेशन थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बींग ऑफ हो तो लाइक करना नहीं भूलना न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव